आपको हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ना है और कैसे उसकी प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है मेरे पास। तो आप लॉ से ही पास हो जाओगे, अगर कट ऑफ 70 से ऊपर चले गई तो आपको हिंदी इंग्लिश पास करवाएगी। तो ये सारी चीज़ें नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। RJS की तैयारी के लिए आपको हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ना है और कैसे उसकी प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है मेरे पास इंस्टाग्राम पे। सर RJS के लिए हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ें, और अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है, अगले महीने पेपर है प्री, और कुछ बच्चे अभी पूछते हैं सर डेट एक्सटेंड हो सकती है कि, मैं उस पर नहीं जा रहा, और होगी तो बता देंगे आपको। चैनल से जुड़े रहो, जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन दिनों RJS में, फॉर्म की विंडो वापस ओपन थी, अगर चैनल को सब्सक्राइब रखा होगा आपने तो आपको पता चल गया होगा कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई थी, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए हुई थी, बाद में सबके लिए ओपन कर दी, मैंने आपको अपडेट दे दी थी। उस अपडेट से बहुत लोगों ने फॉर्म भी फिल किया है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया सर आपके घर हम फॉर्म फिल कर पाए, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, कोई भी अपडेट आती है लॉ से रिलेटेड कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया, किसी भी वैकेंसी हो, चाहे लॉ की सिविल जज की वैकेंसी हो, मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। RJS में हिंदी इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ना है और RJS क्रैक कैसे करनी है, देखो विदाउट कोचिंग आप RJS इजीली क्रैक कर सकते हो, उसका रीज़न है बताता हूँ। RJS के आप लास्ट टाइम के पैटर्न देखोगे ना, बेयर एक्स से बाहर पेपर गया नहीं है, JLO का पेपर मैंने आपको कहा था बेयर एक्स से बाहर जाएगा नहीं, और बेयर एक्स से बाहर पेपर गया नहीं लॉ का, ठीक है लॉ की बात कर रहा हूँ मैं। और राजस्थान में ट्रेंड रहता है बेयर एक्स से ही पेपर आता है, जो बच्चे बेयर एक्स ढंग से पढ़ जाएंगे उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मान के चलो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी रहती है और मेरिट बनाती है हिंदी इंग्लिश का भी रोल होता है, और 70 क्वेश्चन लॉ के आते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आते हैं, कट ऑफ के ऊपर है, अगर 60 चले गए कट ऑफ तो आप लॉ अच्छी तरह करके गए हो तो आप लॉ से ही पास हो जाओगे, अगर कट ऑफ 70 से ऊपर चले गई तो आपको हिंदी इंग्लिश पास करवाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, और बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है आपको प्री एग्ज़ाम के लिए, कोई भी बुक रेफ़र मत करो, अपना बेयर एक्स से पढ़ो, सफिशेंट है बेयर एक्स, ढंग से पढ़ के चल जाना, और कुछ भी मत छोड़ना, एक भी चीज़ मत छोड़ के जाना, सब इम्पॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के जाएंगे बहुत लोग, कॉन्स्टिट्यूशन भी छोड़ के जाएंगे बहुत लोग, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में से पेपर वैसे बहुत कम आता है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, इतने क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं है, हो सकता है इस बार कॉन्स्टिट्यूशन से ही डाल दें पेपर। तो देखो राजस्थान हाईकोर्ट अपना पैटर्न कभी रिपीट नहीं करते हुए मैंने नहीं देखा, तो कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा आपको, और प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो सकती है ज़्यादा रखें इस बार, और हो सकता है प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखें, तो मैंने उसके बारे में बताया आपको। लास्ट सेशन भी पढ़ के जानी है, जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, TP एक्ट में है, IPC में है, एविडेंस एक्ट में है, इलास्ट्रेशन होती है ना, एग्जाम्पल होते हैं, उनको पढ़ के जाना ढंग से, सीधे वो आ जाएंगे एग्जाम्पल, तो आपको पता होगा, पढ़ के गए होगे तो आपको हेल्प हो जाएगी, तो चीज़ का ध्यान रखना, बेरेक ढंग से पढ़ के जाना। अब बात आती है हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश आपको देखो अगर आप कोचिंग करने का, अब तो टाइम है नहीं, समय है नहीं, मैंने आपको पहले कहा था अगर हिंदी इंग्लिश नहीं आती आपको, ग्रामर नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, तो कोचिंग कर लो आप, लॉ विदाउट कोचिंग भी पास कर सकते हो आप, हिंदी इंग्लिश की कोचिंग कर लो, अब समय है नहीं, तो आपको क्या करना है, कोई भी ग्रामर की बुक जो 12th 10th तक की है, ग्रामर की बुक ले लो, बेसिक रूल्स पढ़ जाओ, रूल्स आपको याद होना चाहिए, जब आपने एक टॉपिक के रूल्स पढ़ लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बुक खरीद लो, हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर है राजस्थान के, JLO ले लो, RJS ले लो, हाईकोर्ट के LDC के पेपर ले लो, RPSC के कोई भी टीचर के पेपर ले लो, तो इससे आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़े तो आप एक बार पढ़ लिए रूल्स, फिर इन बुक से आप क्वेश्चन लगाओ उनके, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी है, अगर आप रूल्स पढ़ जाओगे तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होगी, तो प्रैक्टिस जरूर करना, पेपर सॉल्व जरूर करना, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, मेरे से पूछनी है तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा आपको, हिंदी इंग्लिश की उसमें हो रही है क्या मुझे पता नहीं, पर RJS का पूरा है उसमें टेस्ट सीरीज, तो हिंदी इंग्लिश भी होगी उसमें, अगर आपको ज्वाइन करनी है तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना, मैं शेयर कर दूंगा लिंक, और कूपन कोड भी बता दूंगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश तो यार आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी, और देखो हिंदी इंग्लिश में आप 30 में से 30 भी ला सकते हो, नहीं तो और ऐसे मतलब काफ़ी लोग होंगे जिनके 25 से ऊपर नंबर आएंगे हिंदी इंग्लिश में, और राजस्थान में हिंदी इंग्लिश का पेपर इतना हार्ड आता नहीं है, लास्ट टाइम थोड़ा हार्ड आया था, बट राजस्थान में जो हाईकोर्ट जुडिशी पेपर लेते हैं
उसमें हिंदी इंग्लिश का पेपर इतना हार्ड आता नहीं है, आरपीएससी के पेपर हार्ड आता है, बट हिंदी इंग्लिश में जो राजस्थान में सिविल जज का पेपर होता है उसमें इतनी हार्ड हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश आती नहीं है। मेंस में आपको बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ हिंदी इंग्लिश का, क्योंकि आप मेंस का ही पूछोगे, मेंस में ऐसे आएगा इंग्लिश और हिंदी में दोनों में। अब आपको लिखना नहीं आता तो आप जैसे ही आपका प्री हो, अभी तो टाइम वेस्ट मत करना, जैसे ही आपका प्री हो आप पास करने वाले हो, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आंसर की आ जाएगी, या जिस दिन पेपर होगा उस दिन आ जाएगी, अगले दिन आंसर की आ जाएगी। बाउंड्री पे होंगे तो दिक्कत है, जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उनको पता चल जाएगा। आपको एक पेपर हिंदी का लिखना है, एक पेपर इंग्लिश का लिखना है, कॉपी खरीद लेना, न्यूज़पेपर पकड़ना, हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर लगा लेना, अगर घर में न्यूज़पेपर नहीं आते दोनों के, हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर, इंग्लिश में से देख के लिखना है, अगर जिसकी इंग्लिश ख़राब है, हिंदी ख़राब है, हिंदी पे हिंदी न्यूज़पेपर से बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, उनको देख के लिखना है। और आपको ऐसे की तैयारी भी न्यूज़पेपर से करनी है, किसी बुक को रेफ़र मत करना, किसी को रटना मत, पेपर से ही आप ऐसे बना सकते हो अपने लैंग्वेज में तो बनाओ, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, टेररिज्म है, इन्वायरमेंट है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है राजस्थान के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है, उस पर ऐसे बना लो खुद के ही लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में मत करना। नंबर आपको तभी मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में ऐसे में जब आपने खुद की लैंग्वेज के ऐसे लिखे हैं। आप देख लेना, किसी से भी पूछ लेना जो आरजेस बन गए हैं, जो आरएस की तैयारी कर रहा है, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, खुद की लैंग्वेज के आप अगर ऐसे लिखोगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, रटे हुए ऐसे लिखोगे आपको नंबर नहीं देगा जो चेक कर रहा है। अभी तक तो यही ट्रेंड रहा है, बाकी फ्यूचर का कुछ चेंज हो जाए तो पता नहीं। तो खुद के ऐसे बना सको तो बनाओ, नहीं तो हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर लगाओ, उसमें से आर्टिकल सेलेक्ट करो, डेटा आते हैं, फिगर आते हैं, उनको लिखो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लो कॉपी में, फ्यूचर में आप जब ऐसे लिखोगे मेंस का तो उस चीज़ को रेफ़र करना ऐसे में अपने। और ऐसे में पॉइंट होते हैं, पहले ऐसे को एक्सप्लेन करो जिसके ऊपर है, फिर उसके नेगेटिव पॉजिटिव कैसे सॉल्यूशन होना चाहिए, और हमेशा ऐसे को एंड पॉजिटिव वे में ही करो। अब आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल किसी पार्टी के ऊपर ये वो आ गया, ऐसे आ गया, जैसे कांग्रेस के ऊपर आ गया, गवर्नमेंट के ऊपर उस टाइम में यूपीए में कैसी वो होती, वो कुछ ही पूछ सकते हैं पूछने को ही, तो आप उसको पॉजिटिव वे में, जैसे बीजेपी का आ गया, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हो, मतलब कैसे भी सेंस में आ जाए, जैसे अभी टाइम की सिचुएशन पॉलिटिकल जो भी है उसके ऊपर ऐसे आ जाए, तो पॉजिटिव वे में ही आपको ऐसे को एंड करना है। नेगेटिव अप्रोच मत रखना, क्योंकि उससे आपकी थिंकिंग पता चलती है, हमेशा ऐसे में पॉजिटिव अप्रोच ही आपको रखनी चाहिए, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो। फ्यूचर में बात करूंगा, एक बार आरजेएस का प्री हो जाए उसके बाद ढंग से बात करेंगे। अभी तो मैंने प्री के लिए हिंदी इंग्लिश बताई है आपको, ग्रामर की बुक खरीद लो, अभी भी हो जाएगी, इतना सफिशेंट टाइम है आपके पास, एक महीना के आसपास लगभग आपकी हिंदी इंग्लिश हो जाएगी। एक एक टॉपिक पढ़ो, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, बुक खरीद लो, मैंने फोटो दिखाई दी आपको, या आपकी इच्छा है कोई सी बुक खरीद लो जिसमें सॉल्व बुक दो, उसको सॉल्व करो, आंसर देखो, गलत हो रहा है तब भी आगे बढ़ते जाओ, टेंशन मत लो, गलत होंगे इनिशियली, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा और सही होने लग जाएंगे। बाकी और भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अब देखो ज़्यादा समय बचा नहीं है तो स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा टाइम पहले वीडियो देखे होंगे आपने तो मैंने बताया कोचिंग कर लो यार, हिंदी इंग्लिश की कोचिंग कर लो, अगर बिल्कुल नहीं आती तो बेस्ट वे है ये। अब पहली बार दे रहे हो, बहुत बच्चे घबरा भी रहे हैं, एक ने कमेंट किया था सर बहुत डर लग रहा है, मतलब होता है पहली बार जो देता है उनको डर लगता है, मेंस में और डर लगेगा आपको, हाथ पैर कांपेंगे, कईयों के हाथ पैर कांपते हैं फर्स्ट टाइम जो देता है, जिन्हों को एक्सपीरियंस हो गया तो उनके साथ तो उनको पता है कैसा क्या होता है। आपको ऐसे लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, आप सब पढ़ लिए आपको कुछ याद नहीं आएगा, बट जब आप पेपर देखोगे ना आपको सब चीज़ याद आ जाएगी, तो घबराना नहीं है, पेपर पे फोकस करो, एग्ज़ाम की पढ़ाई करो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में, फिर भी कोई डाउट हो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।